बेसिकली लेट अस मेक अ मैग्नेट. ये मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम किसी मैग्नेट से आयरन के पीस को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें अंदर एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ समय के लिए क्या होती है, डेवलप हो जाती है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. बात समझ आई? मैग्नेट की तरह क्या होता है, बिहेव करने लगता है. ओके, व्हाट अबाउट हम कैसे कर सकते हैं मैग्नेट, एक मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? तो व्हाट अबाउट वी कैन मेक अ मैग्नेट इन डिफरेंट वेज. हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं. ठीक है, सिंपल वे ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स कैसे, एग्जांपल कि आप एक सिंपल मैग्नेट कैसे बनाएंगे. आप कुछ रेक्टेंगुलर आयरन का पीस, ठीक है, आप एक आयरन का स्ट्रिप ले लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर. एंड व्हाट अबाउट एक बार मैग्नेट लेना है ताकि हम उसको क्या है, उसे रब कर सकें इस तरह से. ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, आयरन नेल्स लेंगे ये देखने के लिए, जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या उस मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लग रहा है या नहीं. ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेप क्या आता है कि आपको क्या लिखना है, आयरन का एक स्ट्रिप लेना है. ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसे एक सॉलिड सरफेस पर इस तरह से रख देना है, सॉलिड सरफेस पर. ठीक है, जब आप उसे सॉलिड सरफेस पर रख देंगे एंड देन उसके बाद एक बार मैग्नेट लेंगे. ठीक है, मान लीजिए आपका आयरन का स्ट्रिप है और उसके बाद आपको एक हाथ में बार मैग्नेट लेना है. ठीक है, और उसके बाद जेंटली अब उस पर रखेंगे और उसको इस तरह से उसको रब करते हुए ले जाएंगे एक पोल से. ठीक है, ऐसे बेसिकली इस तरह से. तो इसको जब आप कई बार, मेनी टाइम्स, जब आप उसे रिपीट करेंगे, ठीक है, आयरन स्ट्रिप को बैकवर्ड की तरफ. ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट जो होंगे, ठीक है, डू नॉट रब द आयरन स्ट्रिप बैकवर्ड की तरफ, मूव नहीं करना है. ठीक है, मतलब उसको इस तरह से उठाकर फिर उसके बाद, ठीक है, बेसिकली इस तरह से जो है हमें क्या करना है, उसको रब करना है. उसके बाद क्या होगा, इन ऑर्डर टू व्हाट, दैट इज द टेस्ट. अब ये जानने के लिए कि क्या उस आयरन स्ट्रिप ने मैग्नेट की तरह बिहेव किया है, मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म की उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी हुई है या नहीं है रब करने के बाद बार मैग्नेट से, तो हम क्या करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, हमारे पास क्या था, दैट इज आयरन की पिंस जो थे वो प्रेजेंट थे. तो हम क्या करेंगे, जब उस आयरन के स्ट्रिप के पास क्या है, आयरन के स्ट्रिप के पास क्या करेंगे, उस पिंस को लेकर आएंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है. ठीक है बेटा, तो नाउ काम तो वो कुछ देर के लिए ही होगा ना. कुछ, हाँ, लेकिन वो क्या होगा, कुछ देर के लिए होगा, थोड़े से समय के लिए होगा. ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल जो होगा वैसे का वैसा ही हो जाएगा, फिर वो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होगी वो नहीं होगी उसके अंदर. बात समझ आ रही है? तो अगर हम मैग्नेट की बात करें तो दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, हम बात करते हैं तो कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं. ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. मैम, हम लोग बार मैग्नेट की जगह कोई और मैग्नेट यूज नहीं कर सकते कुछ भी? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. जरूर थोड़ी है बार मैग्नेट की भी यूज करना है. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? मैम उस पे घिसने पर वो चिपक जाएगा ना. नहीं, उसको उठाना है, उठा के इस तरह से करना है प्रॉपर तरीके से. मतलब आप ऐसे थोड़ी ना कि एकदम आप रख देंगे तो रखना नहीं है ना उसको, आपके हाथ में भी तो फोर्स लगेगा ना. उस तरह से आप उसको उस तरह से रब करेंगे प्रॉपर तरीके से. बात समझ आ रही है? सिर्फ रब करना है. सो व्हाट अबाउट मैम उस आयरन के पीस को पहले रब करके उसके बाद से दूसरा आयरन उसमें जब मतलब उसके पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप होगी ना उसके अंदर आयरन की वजह से, उस बार मैग्नेट की वजह से. बात समझ आ रही है? तो टेम्पररी टेम्पररी मैग्नेट्स की बात करें या फिर परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें, तो टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसे मैग्नेट्स जो होते हैं, दे प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं. फॉर अ व्हाट, दैट इज अगर हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटाइज हो जाते हैं फॉर सम टाइम. ठीक है, जो मैग्नेटाइज होते हैं क्या, कुछ समय के लिए मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं. मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़े से समय के लिए शो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं. ठीक है, और दीज आर कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट्स. अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हम बात करें कि सिंपली एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है, व्हेन व्हाट इज इट, दे इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट अबाउट. और ये एक क्या होते हैं कि टेम्पररी मैग्नेट जो होते हैं
बेसिकली क्या होते हैं कि जब इन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रखेंगे तो डैट मीन्स क्या है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तब तक जब तक कि वो करंट उसमें फ्लो कर रहा है. बात समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है, आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर हम एक आयरन नेल है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से हमने उसके ऊपर वायर को कॉइल्ड कर दिया है, ठीक है, और फिर उसको हमने सर्किट से जोड़ दिया है. ठीक है, इस तरह से वायर जो है उसके ऊपर कॉइल्ड है, ठीक है, और इस तरह से हमने उसे सर्किट से जोड़ दिया, एंड देन उसके बाद यहाँ हम क्या है की यूज करेंगे इस तरह से. ठीक है, तो जब हम इसमें करंट क्या बेटा फ्लो करवाएंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा. ठीक है, करंट फ्लो करने की वजह से. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे. बात समझ आ रही है? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. और जब हम क्या करेंगे, जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फिर ये एज इट इज वैसे का वैसे ही आयरन का एक सिंपल नेल होगा, ये मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करेगा. बात समझ आ रही है? तो अगर हम एक मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा? हाँ मगर की ऑन कर दिए और की, मान लीजिए कि आपने ऑन कर दिया उस आयरन नेल पर, आपने क्या किया, वायर को वाइंड कर दिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप उस पे स्मॉल पिंस आप जब उसके नजदीक लेके आएंगे ना इस तरह से मैग्नेटिज्म को देखने के लिए कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे विंड स्पिन्स जो होंगे, ठीक है, दैट इज पिंस जो प्रेजेंट होते हैं वो दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस, वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तब जब वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा, और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. और जब हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो एज इट इज वो ऐसे ही सिंपली आयरन का नेल रहेगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. ठीक है, तो इसको जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स हो जाते हैं. मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, जैसे हम बात करते हैं लाइक पेपर क्लिप्स की. ठीक है, आयरन के नेल्स जो होते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, तो टेम्पररी मैग्नेट्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं. ठीक है, और जो कि किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट मेटल्स. किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट मेटल्स के बने होते हैं. ठीक है, बेसिकली जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं मेड अप ऑफ सॉफ्ट मेटल्स के बने होते हैं. और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, ऑन विच द वायर इज बेसिकली कॉइल्ड एंड विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू दिस. ठीक है, और वो तब जब करंट उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें फ्लो करता है तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज अ परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, दे डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी. परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो अपने डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म. ठीक है, वो अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या होते हैं, लूज नहीं करते. ओके, सो व्हाट अबाउट मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज द परमानेंट मैग्नेट. उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास बार मैग्नेट था, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का परमानेंट मैग्नेट है. ठीक है, एंड जो कि प्रैक्टिकल टास्क में बेसिकली यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अट्रैक्ट द आयरन पीसेस, जो अपने आयरन पीसेस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, कि हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह ही है. ठीक है, अर्थ एज अ लार्ज मैग्नेट बेसिकली. ओके, सो व्हाट अबाउट नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का. ठीक है, ये तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ठीक है बेटा, तो व्हाट अबाउट नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, वो किसकी तरफ आउटवर्ड होता है, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. ठीक है,
एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, और अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ डायरेक्शन की तरफ वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है कि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। ठीक है, और अगर साउथ पोल है तो वो ज्योग्राफिक क्या है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, इसकी वजह से जब हम बायर मैग्नेट को क्या करते हैं, जब सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को क्या होता है, वो शो करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, नेविगेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं, यू नो अबाउट द माइग्रेशन, ये माइग्रेट करते हैं टू फ्रॉम वन प्लेस टू द, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। लाइक अगर हम जैसे साइबेरियन क्रेन्स की बात करते हैं, ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो साइबेरिया से आते हैं, एंड कहाँ, हमारे इंडिया में भरतपुर सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है या सुल्तानपुर है हरियाणा में, ठीक है, वहां पर आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, टू एस्केप द हार्श कंडीशन, हार्श यानी बहुत ठंड होती है वहां पर जहां वो रहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन से, व्हाट कंडीशन से, कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, और फूड की तलाश में, ठीक है, और प्लस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर, ठीक है, बेसिकली कुछ समय के लिए आते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दे माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू द अनदर। जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो एक मैप जो होता है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ट्रैक जो होता है वो मैप फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो वापस भी तो उनको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, जिस जगह से वो आए हैं वहां पर उन्हें वापस भी जाना होता है। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं, एक गाइड मैप जो होता है वो अपने ब्रेन में फिट कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा ट्रैक फॉर्म होगा। और दूसरी चीज क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी यूज करते हैं, प्लस सन की डायरेक्शन जो होती है वो भी यूज करते हैं। ठीक है, कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, विच वन इज द नॉर्थ पोल, विच वन इज द साउथ पोल। ठीक है, बात समझ आ रही है, एंड विच वन इज साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, इस तरह से क्या होता है वो यूज करते हैं, और सन के ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैट इज दे फाइंड द डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। तो अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं लाइक साइबेरियन क्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यूज द अर्थ के मैग्नेटिज्म को क्या करती है, बेसिकली फॉलो करती है। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जैसे आर्कटिक टर्न का एग्जाम्पल एक मैं बताऊं, तो आर्कटिक टर्न जो होती है एक ऐसी बर्ड है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। कब, जब नॉर्थ पोल पे क्या होता है, विंटर होते हैं, और समर कहाँ होते हैं, साउथ पोल में होते हैं। और फिर जब साउथ पोल में, फिर क्या होता है, जब विंटर आ जाते हैं और नॉर्थ पोल में समर आ जाते हैं, तो फिर वो साउथ से नॉर्थ चली जाती है। तो वो क्या होती है, इतना दूर ट्रैवल करती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, वो एक मैप जो होता है वो फॉलो करती है ना, ब्रेन में अपने बना लेती है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो होता है वो भी यूज करती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शंस को समझ पाती है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट, दे हैव मैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेटिकली सेंसिटिव सेल्स, उनके ब्रेन में क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं विद इन देयर व्हाट, व्हाट बीक्स, ठीक है, दैट हेल्प देम इन द सेम वे एज द मैग्नेटिक कंपास, जैसे मैग्नेटिक कंपास हेल्प करता है ना जानने के लिए डायरेक्शंस को, वैसे ही इस मैग्नेटिज्म का भी वो इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्शन को वो समझ सके। ठीक है, अब बात आती है कि प्रिजर्विंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं समटाइम्स अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, एंड गेट डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है खो जाती है। ठीक है, बिल्कुल, बट मैम व्हाट, आप तो बताइए कि परमानेंट मैग्नेट मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं। देखिए, नो, लूज नहीं करते, वो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन समटाइम्स आप कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है, जहां पर वो अपनी उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस है वही हम पढ़ेंगे, वैसे तो नहीं करते, बट उनको प्रिजर्व रखना भी तो जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रिजर्व के रखेंगे तो वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, दे शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो मैग्नेटिज्म की अगर बात करें, इफ दे आर थ्रोन, अगर हम उसे ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक है, थ्रोन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, या हैमर करेंगे या हीट करेंगे, ठीक है, तो दैट मींस दे कैन लूज देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, सो मैग्नेट कैन ऑल्सो लूज देयर मैग्नेटिज्म, विच वन, इफ दिट इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उसके उस मैग्नेटिक पोल्स को स्टोर नहीं किया गया, ठीक है,
तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है, उसमें मैग्नेटिक जितनी दिखनी चाहिए उतनी वो नहीं दिखेगी, ठीक है। सो वी नीड टू बी व्हाट, वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द मैग्नेट्स, ठीक है। तो बहुत केयरफुली हमें उसे क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए कि कैसे हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेटिक में क्या होता है कि विच वन बीच में क्या होता है कि बार मैग्नेट जो होते हैं उसके साइड में और बीच में, अगर मोस्टली कॉमनली यूज मैग्नेट्स बार मैग्नेट्स की अगर, क्योंकि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं बार मैग्नेट्स की, तो बार मैग्नेट जो होते हैं उन्हें पेयर्स में रखा जाता है और अपोजिट साइड्स में रखा जाता है, ठीक है। वन इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दूसरे का साउथ पोल और फिर नॉर्थ पोल, इस तरह से, ताकि वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने पास रखे, ठीक है। तो पीस ऑफ वुड जो होता है उनके बीच में रखा जाता है, दो बार मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, इन केप्ट बिटवीन, ताकि उनको सेपरेटली करके रखा जा सके, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओके, सो स्लाइड से समझ लेते हैं। ये क्या हुआ? ओके, क्या है, टाइप क्यों नहीं हो रहा? शायद हम यही पढ़ रहे थे, है ना? Yes, ma'am. शायद सैटरडे को। हाँ, ये बार मैग्नेट है, देखो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, द एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसेंट्रेटेड, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड कहाँ होते हैं मैग्नेटिक फोर्स? एंड पोल्स पर प्रेजेंट। ओके, तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी हमने बात की थी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। ये कंपास के बारे में भी शायद हमने पढ़ा था, बताया था, ठीक है। यस मैम, नेचुरल मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, आयरन हो गया, सॉरी, निकल, कोबाल्ट और स्टील हो गया, और अलॉयस। सो दे अट्रैक्टेड मटीरियल्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स, जब हम फ्री सस्पेंडेड करते हैं मैग्नेट को तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होते हैं बेटा, होते हैं। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा तो शायद। ओके, ये एग्जाम्पल है, कम इन पेयर्स, ब्रेकिंग अ मैग्नेट, जब भी आप मैग्नेट को ब्रेक करेंगे दे ऑलवेज फॉर्म द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, भी ब्रेक होगा तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो होगा वो जनरली फॉर्म होगा, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट एंड सॉफ्ट आयरन बार, परमानेंट मैग्नेट ब्रॉट नियर टू सॉफ्ट आयरन बार एंड द सॉफ्ट आयरन बिकम्स एन इंड्यूस मैग्नेट, क्योंकि उसमें प्रेरित किया जा रहा है मैग्नेटिज्म को, इसलिए उसे इंड्यूस मैग्नेट कहा जाएगा, ठीक है। इन मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट पोल इज ऑलवेज इंड्यूस्ड, ठीक है। टू अनलाइक पोल्स, जब हमेशा फेस करते हैं एक दूसरे को, इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन। स्टोरेज ऑफ मैग्नेट्स को कैसे यहाँ बताया गया है, दिस वन इज कीपर्स विच आर इंड्यूस मैग्नेट इन दिस, फ्री पोल्स जो होते हैं नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अब ये देखिए, दो मैग्नेट्स को क्या है, इस तरह से लिया गया है, साउथ एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड साउथ, द मैग्नेट बिकम वीकर, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं वीक, अगर प्रॉपर तरीके से उनको क्या किया जाए, स्टोर ना किया जाए, ठीक है। तो बार मैग्नेट्स जो होता है उनको पेयर्स में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आपकी बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में है, टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट्स। ये तो सोलेनॉइड है, अर्थ इज अ बीइंग मैग्नेट,
ओके नहीं दिखाया, रुको एक मिनट। ये दिख रहा है बेटा? यस मैम। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके एंड पर बेसिकली यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, आयरन पीस, ठीक है, ताकि वो क्या है उसके पोल्स जो है यानी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो उसकी स्टोर रहे। और इस तरह से यहाँ पर तो बार मैग्नेट्स को अपोजिट पोल्स में रखा जाता है और उसके इस साइड में क्या होता है आयरन पीस जो होता है बेसिकली वो रहता है, ठीक है, बीच में वुडन ब्लॉक जो होती है वो प्लेस की जाती है इस तरह से। One minute. और कोई अदर एग्जाम्पल हाउ टू प्रिजर्व? ओके ये दिख रहा है, दिस वन वुडन बोर्ड है बीच में, ठीक है, और ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, ठीक है, और मैं बीच में वुड क्यों रखा जाता है? ये रिपेल अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, और नहीं होगा तो फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मैम जो हॉर्सशू वाला है मैम, उसमें भी तो एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो यहाँ रखा गया ना, नहीं करेंगे तो यहाँ रखा गया ना बार मैग्नेट को, अट्रैक्शन सिर्फ इधर ही होगी ना यहाँ पर। यस मैम। एक एग्जांपल ये भी है शायद, कहाँ पर है ये देखिए, इसमें और किसकी स्लाइड दिखानी थी? वन मिनट। ओके टेम्पररी मैग्नेट्स और ना परमानेंट, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट्स ओके यहाँ देख लिया जाए क्या है। मैक्सिमम आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, 15 हो गया है, 15 नहीं है, कौन सा चैप्टर बेटा ये? 13 है मैम। 13 है ना, 14 15 16 3 चैप्टर ही बचे हैं आपके सिर्फ। देखिए दिस वन इज, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, अब इसमें वायर क्या है, कॉइल्ड है। परमानेंट मैग्नेट्स विच कैन व्हाट, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट एग्जांपल बार मैग्नेट है जैसे मैंने बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जब थ्रू ए कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है कोई भी, आप आयरन बार ले लीजिए दैट इज अ कंडक्टर, एंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, और सोलेनॉइड है दैट इज जिसपे वायर क्या है, कॉइल्ड है इस तरह से। तो वायर जब करंट पास होता है ना किसी वायर में, तो वो एक वायर जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, और उसी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो डेवलप हो जाती है उस आयरन पीस में कॉइल्ड होने की वजह से, ठीक है। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा उसका, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। So we can see difference between the electromagnet and the permanent magnets.
कंक्लूजन खत्म. फ्रिक्शन.